अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेरे उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जिनकी उम्र जो है वो जो है 50 साल से ज़्यादा ना हो, यानी कि 50 साल तक हो, और वो चाहते हो पहली या दूसरी शादी करना। तो दोस्तों, रिश्ता जो है वो ज़रा गौर से सुने। इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, आज का जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है हमारी बहन, इनका नाम है रशीदा बीबी। तो रशीदा बीबी जो हैं, इनकी उम्र जो है इस वक्त वो 46 बरस है, 46 ईयर्स है, और ये एक तलाक़ याफ्ता खातून हैं। 3 साल हो गए हैं इनका जो है तलाक हुए, अपने शोहर से अलहदा हुए, इनको 3 साल का वक़्त गुजर चुका है। तो रशीदा बीबी जो हैं हमारी बहन, खूबसूरत हैं, हाइट 5 फुट 3 इंच है, एक बेटी है और वो बेटी इनके साथ ही रहती है। तो रशीदा बीबी जो हैं काफ़ी जो है अमीर घराने से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी जो है यानी कि पैसे वाले लोग हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात शादी के लिए राबता कर सकते हैं जिनकी उम्र 50 साल तक हो, मुसलमान हो, फिरका सुन्नी हो, ज़ात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों। तो ये जो रशीदा बीबी जो हैं, इनकी जो कास्ट है ये अंसारी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, और ये इस वक्त जो हैं बहावलपुर सिटी में रहती हैं अपने पेरेंट्स के घर पे। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे रब्ता करना, वो एक बात जो है गौर से सुन लें कि शादी के बाद जो है आपको इनके साथ इनके घर पे रहना होगा, क्योंकि रशीदा बीबी जो है इनकी जो है काफ़ी जो है मतलब बिजनेस वगैरह काफ़ी जो है कारोबार है, प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए जो है ये चाहती हैं कि ऐसा जो है इंसान मर्द जो है जो कि इनके साथ इनके घर में रह सके, तो ऐसे इंसान से ये शादी करेंगी। तो वो हमारे दोस्त जो इनसे रब्ता करना चाहते हों, वो ब्राय मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।